अलैकुम रमान। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए तबीयत अच्छी आपकी। जी शुरू करें, आप किसी टॉपिक पर आज बात करना चाह रही थी। जी सर, चूंकि सोशल मीडिया का दौर है और हम देख रहे हैं कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो किसी ना किसी से किसी तरह से देख रही है कि उनका जो काम है वो आसान हो जाए, किसी और के सर पे पड़ जाए और वो अपने आप को जो है भरी जमा कर ले। एक बड़ी चीज ट्रेंड कर रही है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं उनका थीसिस, उनके असाइनमेंट्स जो हैं वो पेमेंट लेके आप कंप्लीट कर देते हो सबमिशन डेट तक, उनको तैयार चीज मिल जाती है और यूनिवर्सिटी तक जो है वो काम भी पहुंच जाता है, डिग्री भी मुकम्मल हो जाती है। तो बताओ, एक एकोमोडेशन जो है आप क्या कहेंगे इस चीज पे? देखें रमल, अगर देखा जाए तो एक अच्छा तरीका है हमारे माशरे में एक दूसरे को हेल्प करना। हम एक ऐसी सोसाइटी में है कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं और हेल्प होती रहती है। बड़े बहन भाई छोटे बहन भाइयों का काम कर देते हैं और ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, कोई बुरी बात नहीं है। अब इस नॉर्मल सी चीज़ का नुकसान क्या है या हम इसको किस नुकसान की हद तक ले गए हैं? एक बड़े मज़े की एक स्टोरी सी है और आज ही की फ्रेश स्टोरी है। एक साथी को कोई असाइनमेंट मिली और उसने, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, उसने मुझे अपना वो पेपर भेजा जो उसको एक क्वेश्चनर सा मिला था कि आपने आंसर करना है। साथ उसका एक वॉइस नोट आया है कि जी, क्योंकि मैं मीडिया में काम कर रहा हूँ, यानी मीडिया की स्टडीज़ में हूँ और आप मीडिया के काम कर रहे हैं, तो थोड़ा मुझे हेल्प आउट कीजिएगा कि इसका मैं क्या जवाब दूँ उसको। मैंने कहा, बच्चे आपने पढ़ा होगा, आप थोड़ा उसके ऊपर लिख लीजिए। जी मुझे पढ़ा था कि मेरे बड़े मसले थे तो मैं क्लास में, तो मुझे आप ज़रा हेल्प आउट कर दूँ, मैं पेपर बस मुझे आज हल करा दें, आगे फिर देखेंगे साथ क्या होता है। तो अब हेल्प करना, बिल्कुल मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन मैं उसकी हेल्प ही करूंगा, ना कि मैं उसको अपाहज कर दूं। अपाहज करने का मतलब ये है कि मैं अब उसका पूरा का पूरा पेपर हल कर दूं, या मैं उसे कह दूं कि आप बेफिक्र हो जाओ मैं कर दूंगा, और जो चीज़ मैं उसको करके दे रहा हूँ, शायद वो एडवांस न्यूज़ रिपोर्टिंग हो, शायद वो टेक्निकल स्किल्स के हवाले से हो, या कोई और इशू हो, उसकी वजह से कल को जब वो बंदा फील्ड में जाए या वो बंदा कहीं पे टीचर लग जाए और उसने सब कुछ खुद पढ़ा ही ना हो, तो वो आगे क्या पढ़ाएगा? तो ऐसी हेल्प करना असल में हेल्प करना नहीं है, ये अगले बंदे को मोहताज बना देना है जिससे वो अपना काम खुद ना कर सके। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि जो आप बात कर रही हो रमल, ये आज की बात नहीं है। ये अगर हम देखें तो गुज़िश्ता जब से कोविड आया है, 14-15 महीने हो गए हैं। मार्च में ये कोविड की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, फरवरी के एंड में पहला केस सामने आया था, 26 फरवरी था अगर मैं गलत ना हूँ, तो तब से यूनिवर्सिटियां बंद हो गई और ऑनलाइन एजुकेशन असल में एक कॉपी पेस्ट का जरिया बन गया था। हम लोगों ने बेसिकली इस ऑनलाइन एजुकेशन से सीखने की बजाय मसले क्रिएट करना शुरू कर दिए हैं और एक बहुत आसान तरीके कारोबार बन चुका है जो आप बता रहे हो। उसका फेसबुक पर अपने ग्रुप्स बने हुए हैं, उसके व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप बने हुए हैं, ट्विटर के ऊपर ऐसे बहुत से लोग खुद को कॉन्टेंट राइटर जाहिर करते हुए लोगों के पेपर भी हल कर रहे हैं, उनकी असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं, उनका जितना काम है वो सब कुछ वो कर रहे हैं और उनसे 10,000 15,000 20,000 रुपए ले रहे हैं और उनको लग रहा है कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। ऐसा पैसा बनाना ठीक है, वक्ती तौर पे तो आपको मिल जाएगा 15-20 हज़ार, आपको एक एक पेपर का मिल रहा है, आपने एक क्लास के 15-20 बच्चे फांस लिए, आप उनके पेपर करके दे रहे हैं, लेकिन असल में आप मुआशरे को कुछ ऐसे लोग दे रहे हैं जो कि नासूर बनेंगे, इस मुआशरे की जवाल का सबब बनेंगे। जो बंदा उस पेपर को करते हुए उसको समझ ही नहीं आ रही उसने करना क्या है, वो 15,000 रुपए दे के पेपर कर रहा है और कल को फिर वो आपके इस मुआशरे में आके इंजीनियर बनता है, टेक्नीशियन बनता है, सहाफी बनता है, कुछ भी बनता है, तो उसने फिर मुआशरे का जो हाल करना है वो हम सबके सामने है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि टीचर्स को थोड़ा सा हाथ साफ करना पड़ेगा, उन्हें मालूम हो जाता है कि उनका बच्चा कितने पानी में है, और जो अगले बंदे को अगर आप वाइवा वगैरह ले लें या उसको साथ एंगेज करने वाली बात हो गई, वो सब कुछ कर लें, तो उससे थोड़ा क्लियर होता है बंदे को कि हाँ वो कर क्या रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स का इसमें रोल बहुत अहम हो जाएगा कि वो इन बच्चों को कैसे कंट्रोल करें और ये मेक श्योर करें कि अगर 100% ना सही तो कम से कम 60-70% उसका अपना बच्चा वो पेपर खुद करे। गूगल से कॉपी पेस्ट सारे करते हैं लेकिन वो कॉपी पेस्ट भी वो खुद करे, ये ना हो कि वो लेट से मैं रमल को पेपर भेज दूँ कि जी आप बस मुझे कहीं से कॉपी पेस्ट करके भेज दें और फिर मैं आगे सर को भेज दूंगा या मैडम को भेज दूंगा, ऐसा ना हो, एटलीस्ट कॉपी पेस्ट करने के लिए भी कुछ मेहनत वो खुद करे। सर, आपने जो बात की कॉपी पेस्ट करने की भी, तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि एक आपका एक बहुत बड़ा अरसा गुजरा है इस फील्ड में भी और इसका भी एक्सपीरियंस है, प्लेजरिज्म और चीटिंग, क्या ये इस कंटेंट राइटिंग जिसको नाम दिया जाता है इस फील्ड को, क्या ये प्लेजरिज्म और चीटिंग में आती है?
देखें मेरा ख्याल है प्लेजरिज्म और चीटिंग से भी सख्त लफ्ज इसके लिए होना चाहिए, उसकी वजह है मैं फिर वही बात कहूँगा। प्लेजरिज्म आप किसी और का मटेरियल उठा के डाल रहे हैं लेकिन आप डाल रहे हैं, चीटिंग आप चीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे तो सीधा, यहाँ पे तो ठीक ठाक जो आप कुछ कर रहे हैं वो तो आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप उठा के एक बंदे के पैसे ले रहे हैं और उसको पूरा का पूरा पेपर दे रहे हैं, अब ये कोई तरीका ठीक नहीं है। ये तो उससे भी सख्त लफ्ज होना चाहिए। प्लेजरिज्म और चीटिंग शायद बहुत नॉर्मल लफ्ज है, वो तो अगला बंदा गिला करता है कि जी आप किस तरह से आगे बात कर रहे हैं। अर्शाद खान साहब हमारे एक दोस्त भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, साथी हैं, वो कहते हैं स्टूडेंट का नाम बताइएगा, स्टूडेंट का नाम छोड़िए वो फील्ड में है इस वक्त तो इसलिए उसका नाम ना ही लें तो अच्छा है। और ये एक नहीं है क्योंकि 3-4 यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स जानते हैं हमें, पिछले 5-6 महीनों में उन्होंने मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट किया, मुझे कहा उन्होंने कि जी ये पेपर ज़रा आप मुझे हल करके दे दें, मेरे घर में तो फलां फौतगी हो गई थी, फलां मसला आ गया था, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। टीचर इतना जालिम नहीं होता, अगर आप सच कह रहे हैं तो काफ़ी आपको सपोर्ट करेंगे, अगर सच नहीं कह रहे हैं तो फिर जाहिर बात है आपके लिए मसले होंगे। तो प्लेजरिज्म, फिर भी आप किसी और का मटेरियल उठाते हैं उसको अपने नाम से आगे लेके आते हैं, आप कुछ तो करते हैं ना। चीटिंग में भी आप कुछ ना कुछ करते हैं, यहाँ पे तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो आपने 15-20 हज़ार रुपए दिए और आपको तैयार पेपर मिल गया, तो ऐसे में फिर ज्यादा खतरनाक है मेरे ख्याल में ये। और प्लेजरिज्म की सर जो जहां तक बात है उसमें ये है कि आप अगले बंदे के काम को क्रेडिट भी दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो आपको काम करके दे रहा है उसको तो बिल्कुल साइड पे हो जाता है, आपके नाम से उसका काम पैसे ले रहा है। अच्छा सर, जो लोग इसके सपोर्टर्स हैं और जो ये काम करते हैं वो इसको एकेडमिक राइटिंग बोलते हैं और वो बोलते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अगले बंदे की हेल्प कर दो। मैंने ये देखा मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ा कि वो इसको ये मानते हैं कि बहुत से लोग हैं वो कहीं ना किसी एक जगह पे लैग कर रहे होते हैं, किसी स्किल्स राइटिंग के ज्यादा होंगे तो स्टैटिस्टिक्स के नहीं होंगे, स्टैटिस्टिक्स ज्यादा होंगे तो लिख वो अच्छा नहीं सकते, तो हम बेसिकली उनकी हेल्प कर रहे हैं। अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो हम उनको काम जो है वो उनका ही आसान करके दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे कि ये कैसी हेल्प है? देखें हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है, हेल्प होना चाहिए, एकेडमिक राइटिंग बहुत ज़रूरी है, वो होना चाहिए। तो मेरा तो एक सिंपल सा मानना है कि अगर आप ये समझते हैं कि जो चीज़ ठीक है उसको आप ठीक मानते हैं तो आप उसका क्रेडिट लेते हैं कि हाँ जी मैंने ये ठीक काम किया है। तो जो ये एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं वो अपना नाम लिखें कि एकेडमिक राइटिंग हमने करके दी है, ये 4th, 5th, 6th सेमेस्टर का BS का बच्चा है या ये MS का बच्चा है या बच्ची है, उसके लिए ये मैंने लिखी है, मैंने लिख के दिया है उसको, मैंने उसको हेल्प आउट किया है, तो फिर ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये कहते हैं कि जी मैं हेल्प करूँगा, मेरा नाम आगे नहीं आएगा और मैं हेल्प भी पैसे लेके करूँगा, तो फिर आप चोरी कर रहे हैं, आप हेल्प नहीं कर रहे हैं और चोरी की सजा ही होती है। चोरी के लिए कोई आप वजह जो है वो नहीं देते कि जी अच्छा कर रहे हैं हम लोग। बेसिकली आप वहाँ पर एकेडमिक राइटिंग के नाम पर बेड़ा गर्क कर रहे हैं तालीमी निज़ाम का, जो कि ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुका है, इसलिए आप उसको और गिरा रहे हैं अपने 15-20 हज़ार रुपयों के लिए, उसको मज़ीद ख़राब मत कीजिए। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी टीचर से, मैं यूनिवर्सिटी से इंतजाम से दरख्वास्त नहीं करूँगा, टीचर से करूँगा, टीचर का काम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पर टीचर्स ही सब कुछ कर रहे होते हैं, कि आपको अपना थोड़ा सा ये दायरा तंग करना पड़ेगा, थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। और आप देखें आजकल मेरा ख्याल बनू बोर्ड का बच्चा था जिसने अभी हाल ही में जो लास्ट ईयर रिजल्ट आए थे, अभी तो खैर एग्जाम हुए नहीं, तो लास्ट ईयर उसने टॉप किया था जब कोविड से पहले, तो उसके जब रिजल्ट आए तो उसको इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला। बनू बोर्ड टॉप करने वाले को, मेरा ख्याल उसको 1072 थे या 1067 नंबर थे, मैं उसमें थोड़ा गलत हो रहा हूँ, और उसका इस्लामिया कॉलेज का जो मेरिट था वो उसके नंबरों से 3-4 नंबर ऊपर ही पूरे हो गए थे। अब ये देखें आप कि आप जब इस लेवल पर एक चीज़ ले आते हैं कि आप जैसे आप कह रहे हैं कि कहीं पे वो लैग कर रहे हैं, तो ये लैग करना ज़रूरी है, ये लैग करना अच्छी बात है, लैग होना चाहिए, उसका फ़ायदा ये है कि आपका जो मेरिट है वो कंट्रोल रहता है। अब अगर 1100 में से आप 1067 नंबर लेकर भी इस्लामिया कॉलेज में एडमिशन आपका नहीं हो रहा है, इट मीन आपको 30-35 नंबर ही आपसे हटें, पर पेपर आपके 3-3.5 नंबर बन रहे हैं, आपको अगर वो नहीं मिल रहा है। और हमारे टाइम पे अगर हम देखें तो फर्स्ट डिवीजन एक बहुत बड़ी बात होती थी, आजकल 97-96% नंबर लेना, हम कहते हैं कि नंबर ही नहीं है, फजूल नंबर लिए हुए हैं, तो मयार जो है वो गिर रहा है, नंबर बहुत सारे आ रहे हैं। ये लैग करना ज़रूरी है ताकि थोड़ा मयार रहे, आपको पता हो कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके सामने 10 सब्जेक्ट हैं और आप 4 में लैग कर रहे हो तो इट मीन्स आपकी स्पेशलिटी बाकी 6 में से किसी एक में होनी चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि एक बच्चा ये कहे कि जी मैं तो कंप्यूटर साइंस पढ़ने आया हूँ, मैं फिजिक्स क्यों पढ़ूँ, मैं इंग्लिश क्यों पढ़ूँ, मैं उर्दू क्यों पढ़ूँ। पढ़ना तो है आपने, करना तो पड़ेगा आपको, चीज़ आपने सीखनी है। अगर आप PMS या SSS कर रहे हैं वहाँ पे भी आपको एग्जाम देने पड़ते हैं, 10-12 पेपर होते हैं आपके, वो इसीलिए होते हैं, फिर तो कल को आपका CSS PMS भी अगला बंदा बैठ के दिया है, क्योंकि जी आपको तो सारे पेपर नहीं आते, आपको अंग्रेजी का जो राइटिंग है वो आपको नहीं आता, आपको तो पॉलिटिकल साइंस नहीं आती, आपको तो IR नहीं आती, आपका तो ये फील्ड ही नहीं है, आपको किसी और तरफ जाना चाहिए था।
तो फिर ये जो एक जवाज़ है बिल्कुल तो गलत जवाज़ है। अगर आप कहीं पे लैग करो तो अच्छी बात है, आप वहाँ पे स्ट्रगल करो, वहाँ पे मेहनत करो, उसको चीज़ को बेहतर करो, ना कि आप 15-20 हज़ार रुपए दे के अगले बंदे से पूरा पेपर लिखवा लो। और मैं ये समझती हूँ कि सर ये सिस्टम बिगाड़ने वाले, इसमें जो है ना खराबी लाने वाले, वो कोई एक बंदा नहीं है, वो एक पूरी चेन है जो मिलके इसके लिए काम कर रहे हैं कि अगले बंदे को, आपने जैसे शुरू में बात की कि आप अपाहिज कर रहे हो कि वो किसी काम का ना रहे, उसको तैयार नवाले की आदत हो जाए। जितनी मैंने रिसर्च की इसके ऊपर सर, ये लोग जो ये काम करते हैं, जो एक टीम बनी हुई है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, वो अपने आप को फ्रीलांसर्स बोलते हैं। वो कहते हैं कि फ्रीलांसिंग कोई भी गलत चीज नहीं है, आप किसी के लिए भी पैसे लेके काम करते हो और अपने इस काम को जो है वो अपवर्क और फाइवर जैसी वेबसाइट्स के साथ मुंसलिक करते हैं कि वहां पे भी तो ये कुछ होता है, अगर ये गलत होता तो वो वेबसाइट्स ना चलती। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आप जब अपवर्क या फाइवर है या फीवर है जो जिसका नाम है उस पर कुछ काम करते हैं, तो आपके नाम के साथ लिखा आता है कि रमल एजाज ने, मोहम्मद फहीम ने ये काम किया है, तो आप भी लिखें कि जी हमने लेट्स से पेशावर यूनिवर्सिटी के फलां डिपार्टमेंट के 6th सेमेस्टर के बच्चे की फलां असाइनमेंट मैंने लिखी है। आप लिख लें अपनी प्रोफाइल के अंदर, कोई बुरी बात तो नहीं है, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं आप ना, क्यों छुपा रहे हैं आप उसको फिर। या तो आप खिदमत खल्क कर रहे हो तो क्या अपना नाम, जी मेरा नाम सामने ना आए फिर आप फ्री करें, आप पैसे क्यों ले रहे हैं? और आप पैसे ले रहे हैं तो आप अपना नाम लिखें ताकि अगले बंदे को पता हो, उसके टीचर को पता हो, अगर वो इतना ही अच्छा काम आप कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, कि वो जाके अपने टीचर को बोले कि जी मुझे तो लेट्स से मुझे पाक स्टडी में समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने पाक स्टडी की असाइनमेंट के लिए रमल की हेल्प ले ली है, रमल ने मेरी हेल्प की है, उन्होंने मुझे असाइनमेंट करके दी है। स्टूडेंट के अंदर ही फिर इतने गट्स होने चाहिए, लेकिन वो छुपा रहा है, वो नाम छुपा रहा है, जो पैसे ले रहा है वो कह रहा है मेरा नाम मत दिखाओ, मैं पैसे ले रहा हूँ लेकिन मेरे पैसे लेते हुए मत दिखाओ। तो जब ये चीज़ें आप छुपा रहे हैं तो इट मीन्स आपके दिल में चोर है, आपको पता है कि आप चोरी कर रहे हैं, और सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा दिल बहलाने के लिए खातिर ही आप इस तरह के वजूहत ढूंढ रहे हैं कि आप कहिए मैं तो बिल्कुल लीगल काम कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग बिल्कुल एक मुख्तलिफ फिनोमेना है, हर एक काम ऑनलाइन करना फ्रीलांसिंग नहीं होता, हर एक चीज़ को आप फ्रीलांसिंग नहीं कह सकते। अगर आप ये कह दें कि जी मैं जो आजकल की वीडियो आई भी है, स्नैप स्नैप वीडियो है कि क्या, एक ऐप शुरू हुई है और मैं उसके ऊपर जाके जी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, वहाँ से मुझे 400-500 रुपए घंटा मिल रहा था, फ्रीलांसिंग नहीं है। फ्रीलांसिंग एक अलग ही फिनोमेना है। कंटेंट राइटिंग, मैं फिर कहूँगा आपको, कंटेंट राइटिंग के लिबादे को ओढ़ते हुए लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग ही कुछ और चीज़ है, वो बिल्कुल एक फ्रेश चीज़ होती है, अपना कंटेंट आप प्रोड्यूस करते हो, ना कि आप ये सब कुछ करते हो। आप मुझे बता दें जो बच्चा बंदा ये सब कुछ करेगा, जी मैं थीसिस बड़ा अच्छा सा लिखता हूँ या मैं असाइनमेंट अच्छे से कर लेता हूँ, तो आप अगर इतना अच्छा काम कर लेते हैं तो फिर आप क्यों घर बैठे हुए हैं, आप क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, आपको अपना काम क्यों नहीं मिल रहा? किसी बंदे को अगर आप अभी ऑफर करें कि जी आपके लिए ग्रेड 17 की सरकारी जॉब है, भाग के आएगा, फिर उसको वहाँ पर खिदमत खल्क याद नहीं रहेगा। तो खिदमत खल्क अगर करनी है तो फ्री में करें, आप करें एक ऐसे लोगों के लिए, कराची में बैठे हुए लोगों के लिए फ्री पेपर हल करके देंगे, जी मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं उनके लिए मुफ्त पेपर हल करूँगा। खिदमत खल्क होती तो फ्री होती, ना कि पैसे लेके और फिर नाम छुपा के होती। तो थोड़ी सी अगर हम बात करेंगे इस सारी चीज की लीगैलिटी की, तो आप डिग्री कर रहे हो लेकिन आप काम किसी और से करा रहे हो और डिग्री फिर आपके नाम पे आ रही है, ये कितना लीगल है? इसको तो बड़े धड़ल्ले से जो है वो इलीगल के दायरे से बाहर कर दिया गया कि ये बिल्कुल लीगल काम है, और जिस तरह की मैंने पहले भी बात की जिसको हेल्प कहा जाता है कि ये तो हम हेल्प कर रहे हैं अगले बंदे की। अगर एक बंदा बेरोजगार हो, उसके पास रोजगार ना हो और वो गुर्बत से तंग आ रहा हो और वो कहे जी कि मैं कुहाट से कराची एक 50 किलो चर्स ले जाता हूँ क्योंकि मैं तो बड़ा गरीब हूँ और मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, और मैं बिल्कुल बहुत जुल्म हो रहा है मेरे साथ और मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो क्या उसको हुकूमत पाकिस्तान छोड़ देगी? कितने जी खैर है, आप 50 किलो चर्स ले जाएं या पाउडर ले जाएं, क्योंकि आप तो गरीब थे। इल्लीगल काम इल्लीगल ही है, आप उसको जितने जवाब भी ढूंढेंगे वो इल्लीगल ही होगा, ये इल्लीगल है, चाहे आप इसको कोई भी नाम दे दें, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं फिर कहूँगा अगर लीगल है तो धड़ल्ले से माने, वो स्टूडेंट भी जाके अपने टीचर को बोले कि जी मैंने ये असाइनमेंट इस बंदे से कराई है, मैंने खुद नहीं की, और वो जो बंदा कर रहा है वो भी ओपनली कहे, अगर उसमें इतने गट्स हैं तो लिखे अपने फेसबुक पेज के ऊपर, अपने आईडी के ऊपर कि जी मैं लोगों के लिए इतने पैसे लेके इतने में ये पेपर हल करा रहा हूँ। देखें उसके खिलाफ कितने FIRें होती हैं, और फिर साइबर क्राइम क्या कुछ करते हैं उनके साथ, ये साइबर क्राइम्स के जुमरे में आता है। लेकिन ये चीज़ें गलत हैं, ठीक नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इसीलिए लोग कह रहे हैं कि मसला उसके ज़्यादा बन गए हैं, क्योंकि वो जो लोग, वो बच्चे जो कि फिजिकल एजुकेशन में एक पेपर नहीं भर सकते थे, अभी वो आपके सामने 15-15 पेजेस की जो है वो उन्होंने असाइनमेंट की होती है, और ऐसी अंग्रेजी होती है कि आप उसकी ग्रामर को देख के भी हैरान होंगे, यार ये कहाँ से लिख के लाया हुआ है। लेकिन जैसे ही आप उसको डालते हैं प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपको मालूम होता है कि इस बंदे ने ऊपर अपना नाम जो है वो खुद लिखा है और बाकी सब कुछ तो आगे पीछे से आया हुआ है। तो ये थोड़ा सा एक मसला है कि ये इलीगल है, इसको आप लीगल नहीं कह सकते।
तो ये बात भी क्लियर होगी कि साइबर क्राइम के अंडर ये काम आता है। बिल्कुल हाँ जी, जो वो तमाम क्राइम जो कि आप इंटरनेट पे करते हो वो साइबर क्राइम के जुमरे में ही आते हैं, साइबर के साथ ही वो लिंक हैं। और ठीक है, हमारे यहाँ पी का एक एक्ट है, पाकिस्तान जो क्राइम रेगुलेशन, साइबर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की जो रेगुलेशन अथॉरिटी है उसके हवाले से एक्ट है, क्राइम एक्ट जो है उस हवाले से आया है, पीका के नाम से है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर अब उसना पूरा दरामद दरामद ना करो, अमल दरामद है। पीका के अंदर बहुत सी चीज़ें क्लियर हैं लेकिन उसको देखना की ज़रूरत है कि FIA क्या इतना उसके पास पावर है, स्ट्रेंथ है, उतने लोग हैं कि उस पर अमल दरामद करें। हमारे यहाँ तो हम लोग इसी पे रह गए हैं कि किसी खातून को किसी ने तंग कर दिया मोबाइल फ़ोन के जरिए, इंटरनेट के जरिए, बस हमने साइबर क्राइम को वहाँ तक रखा हुआ है। या अगर जिस तरह आजकल है कि हामिद मीर साहब की तमाम वीडियोज जो हैं और तमाम पेजेस जो हैं वो इंडिया से चल रहे हैं, इस तरह के इल्ज़ाम लगाने के लिए हमने साइबर क्राइम विंग को पीका के अंदर ये आता है। तो सर आखिर में पिछले गुजश्ता कुछ अरसे में आप एकेडमिया के जो दुनिया है इससे जुड़े हुए हैं, इतने अरसे में आपने क्या चेंजेस फील की स्टूडेंट्स में, बच्चों में क्या बदलाव आ रहा है, वो कितने शौकीन हैं पढ़ने के, जिद्दत लाने के, डेवलपमेंट्स के लिए और अपने स्किल्स को जो है बेसिकली पॉलिश करने के लिए, बच्चों में कितना फर्क आया है तब से अब तक? देखें देखें, कोविड की अगर आप बात कर रहे हो तो कोविड के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका गला सड़ा निज़ाम था, तालीमी निज़ाम था, उसको अपडेट करने का आपको चांस मिला है और किसी हद तक वो बेहतर हुआ है। मैं ये कहूँगा कि बेहतर हुआ है, इतना बुरा नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जितनी अपॉर्चुनिटी थी क्या उतना बेहतर हुआ, बिल्कुल भी नहीं। हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे इसके लिए और ना ही हमने खुद को तैयार किया इस एक साल के अंदर। चंद यूनिवर्सिटियों के लेवल पे, चंद टीचर्स की अगर लेवल पे देख लें आप, इंडिविजुअली लोगों ने कोशिश की है, एज अ होल सिस्टम बेहतर हुआ था वो हमें नज़र नहीं आया। और अगर मैं ये कहूँ कि स्कूल लेवल पे तो बिल्कुल बेहतर हुआ ही नहीं है, वो तो और भी ख़राब हो गया है, तो गलत नहीं होगा। वो आपकी बेस है, यूनिवर्सिटियों को आप फोकस कर रहे हो लेकिन आपकी बेस यूनिवर्सिटियों में इन्हीं स्कूल से आ रही है। आपने उसको बेहतर नहीं किया, आपने उसको और भी ख़राब कर दिया। कुछ बच्चों को ये एक फ़ायदा हुआ है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल है या साइबर का इस्तेमाल है, इंटरनेट का इस्तेमाल है, उसमें काफ़ी बेहतरी आई है इस कोविड के दौरान। वही वजह है कि लोग घर में बैठ गए थे तो लोगों ने कोविड की वजह से फिर सबको यूज़ किया, तो उससे बेहतरी आई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शायद हम उससे वो ड्यू फायदा नहीं ले सके कोविड के दौरान। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं वो इससे ज़रा फायदा उठाएं और खुद को काबिल करने के लिए जो है वो ज़रा सोचें, ना कि अपने आप को बिल्कुल ही जो है ना पाँव और अपने हाथ जो है उनको फ्रीज कर लें। थैंक थैंक यू, थैंक यू शुक्रिया। यू सर, थैंक यू।